हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी थर्ड ईयर के लिए है। बीएससी थर्ड ईयर का ये मेरा फिफ्थ लेक्चर है, जिसमें हम बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट के टॉपिक कॉम्पटन इफ़ेक्ट पर बात करेंगे। आई होप आपने इससे पहले वाला मेरा लेक्चर देखा होगा, जिसमें हमने कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या होता है ये समझा था। साथ ही कॉम्पटन शिफ्ट, जिसके लिए आज हम इस लेक्चर में डेरिवेशन डिराइव करेंगे, वही कॉम्पटन शिफ्ट के लिए डायग्राम में क्या क्या टर्म्स दी गई है ये भी समझा था। सो, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले आप इससे पिछले वाला लेक्चर देखिएगा, ताकि आपको कॉम्पटन इफ़ेक्ट और इस डायग्राम की थ्योरी दोनों चीज़ें क्लियर हों। सो, स्टार्ट करते हैं कॉम्पटन शिफ्ट के लिए फॉर्मूला डिराइव किस तरह से करना है। सबसे फर्स्ट इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। हमारे पास एक एलिमेंट है जिस पर हम फोटोन इंसिडेंट करते हैं, देन फोटोन इंसिडेंट करने से यहाँ पर लाइट स्प्लिट होती है, स्कैटर्ड होती है, जिससे एक हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन मिलता है। और ये जैसे ही फोटोन इस एलिमेंट पर इंसिडेंट होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिकॉइल्ड होता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होता है तो हमारे पास एक रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक स्कैटर्ड फोटोन मिलता है। यहाँ पे दो तरह के एंगल हम बनाते हैं। स्कैटर्ड फोटोन का एंगल बनता है फाई और रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन का एंगल बनता है थीटा। यहाँ पर हमने इसकी एनर्जी और मोमेंटम को भी शो किया है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। सो, यहाँ पर जब हम इसके मोमेंटम के कंपोनेंट करते हैं तो मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम उसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं। सो, यहाँ पर हम फोटोन के स्कैटर्ड फोटोन की मोमेंटम और रिकॉइल्ड फोटोन के मोमेंटम के बीच में यदि इनके एक्स और वाई एक्सिस में कंपोनेंट करें तो ईपी डैश दिखाता है स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी को और पी डैश दिखाता है स्कैटर्ड फोटोन के मोमेंटम को। सो, यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम जानते हैं कि कॉस एंगल होता है और वाई एक्सिस में साइन एंगल होता है। सो, यहाँ पर स्कैटर्ड फोटोन की एक्स कंपोनेंट हो जाएगा पी डैश कॉस फाई और पी डैश की वैल्यू हमारे पास है एच न्यू डैश बाय सी और कॉस फाई एंगल यहाँ पर रहेगा। एज इट इज़ हम यहाँ पर स्कैटर्ड फोटोन के मोमेंटम का वाई एक्सिस में निकालेंगे तो ये हो जाएगा पी डैश साइन वाई। पी डैश की वैल्यू हमारे पास है एच न्यू डैश अपॉन सी और साथ में साइन फाई। एज इट इज़ हम रिकॉयल इलेक्ट्रॉन के लिए एक्स और वाई कंपोनेंट निकालेंगे तो पी ई रिकॉयल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है जिसकी वैल्यू है एम बी। सो, यहाँ पे पी ई डैश कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल बनता है थीटा इसलिए कोस थीटा। पी डैश की वैल्यू हमने पुट कर दी एम वी कोस थीटा, वो वैल्यू। एज इट इज़ हमारे पास पी ई डैश साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी एम वी साइन थीटा। सो, ये चीज़ें तो थी हमारे पास, जो टर्म्स हमने यहाँ पे कंसिडर की है वो सभी। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। सो, यहाँ पे यदि हम देखें तो एनर्जी बिफोर कॉलिजन इज़ इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन मतलब जैसे ही हमने इस एलिमेंट पे फोटोन इंसिडेंट किया, इन दोनों के बीच में संघट हुआ, कॉलिजन हुआ, और इसके कारण यहाँ पे लाइट स्कैटर्ड हुई। सो, कॉलिजन से पहले की और कॉलिजन के बाद की एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होती है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है। सो, यहाँ पर हम देखेंगे ई पी प्लस ई ई मतलब फोटोन की एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और कॉलिजन के बाद में स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी और रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे और इक्वल बता देंगे। सो, ई पी प्लस ई ई इज इक्वल टू ई पी डैश प्लस ई ई डैश, दोनों की वैल्यूज़ पुट करी यहाँ से और यहाँ से। सो, दोनों की वैल्यूज़ पुट करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर। ये चाहे तो आप डायग्राम में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एच न्यू, ये न्यू डैश भी इधर आ जाएगा, तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। यहाँ से एच कॉमन निकाल लेंगे, हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट।
ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यदि हम यहाँ पर मोमेंटम देखें तो मोमेंटम हमारे पास दो तरह की एक्सिस पर डिफाइन कर रहे हैं हम, एक एक्स एक्सिस के लिए और एक वाई एक्सिस के लिए। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे मोमेंटम बिफोर कॉलिजिन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजिन। तो सबसे फर्स्ट हम एक्स एक्सिस के लिए मोमेंटम देखेंगे। तो एक्सिस के बिफोर कॉलिजिन हमारे पास एक्सिस के लिए मोमेंटम है पी प्लस पी ई, ये एक्स एक्सिस के लिए मोमेंटम है जब कॉलिजिन नहीं होता है उससे पहले, और जब कॉलिजिन होता है उस टाइम इन दोनों का एडिशन होगा। सो एक्स एक्सिस के लिए हो जाएगा पी प्लस पी ई इज इक्वल टू एक्सिस कॉस को शो करती है इसलिए कॉस फाइ और कॉस थीटा, पी डैश कॉस फाइव प्लस पी ई डैश कॉस थीटा। सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, पी ई की वैल्यू यहाँ पर जीरो है क्योंकि वहाँ पर मोमेंटम नहीं होता है, ये वैल्यू आई। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड सी का, सो हम सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी से सी कैंसिल, यहाँ पर भी सी से सी कैंसिल और यहाँ पर एक सी साथ में हो जाएगा। सो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर हम एम वी सी कॉस थीटा को अलग कर लेंगे, एक साइड लाएंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ये इक्वेशन सेकेंड। अब हम निकालेंगे एज इट इज़, जैसे हमने एक्स के लिए निकाला वैसे ही हम वाई के लिए निकालेंगे। तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजिन यदि हम वाई एक्सिस में देखें तो वाई एक्सिस में हमारे पास किसी तरह का मोमेंटम नहीं था कॉलिजिन के पहले, तो इसलिए वाई जो वाई वाली टर्म है वो यहाँ पर हो जाएगी ज़ीरो। मोमेंटम बिफोर कॉलिजन में ये वैल्यू हो जाएगी जीरो क्योंकि वाई एक्सिस में हमारे पास किसी तरह से हमने कोई लाइट इंसिडेंट नहीं करवाई थी। जब हम मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन देखेंगे तो ये साइन के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा पी डैश साइन फाइव माइनस पी ई डैश साइन थीटा। दोनों की वैल्यूज हम डायग्राम से रख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करी और दोनों तरफ फिर से सी का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म माइनस की इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो जाएगा साइन फाइव। इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमारे पास आ गई है। आगे हम अब यदि हम आगे देखें तो इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड का हम स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। सो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर करके ऐड करने पर अब यहाँ पर LHS को LHS से और RHS को RHS से हम ऐड करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर हमारे पास एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाइव का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। अब ये वाली पूरी टर्म एम वी स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलकर हो जाएगा वन, और जब हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी एक कोस स्क्वायर फाई और यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई, और दोनों के साथ वैल्यू हमारे पास एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर है। सो यहाँ से हम एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो ये वाली पूरी टर्म भी हो जाएगी वन। तो हमारे पास नई इक्वेशन आएगी इक्वेशन फोर, एम वी एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इक्वेशन फोर। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम यदि इक्वेशन फर्स्ट देखें तो हमारे पास ये है। इस इक्वेशन फर्स्ट से हम एम सी स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे और ये वाली पूरी टर्म को लेकर आएंगे इधर, तो ये प्लस की टर्म हो जाएगी। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे सो ये वाली टर्म हो जाएगी एम सी स्क्वायर का सी स्क्वायर और ये पूरी टर्म का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर जब हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका हो जाएगा एम स्क्वायर सी टू द पावर फोर, और जो भी टर्म यहाँ पर कॉमन निकल रही है उसे हम कॉमन निकाल लेंगे और इक्वेशन फाइव आएगी हमारे पास ये। ये मैंने पूरी टर्म सॉल्व करके रखी है, आप चाहे तो इसको एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। इक्वेशन फाइव हमारे पास ये है। आगे हम देखेंगे इक्वेशन फाइव माइनस इक्वेशन फोर। इक्वेशन फाइव और इक्वेशन फोर को जब हम माइनस करेंगे तो LHS में से LHS और RHS में से RHS माइनस करेंगे, जो भी टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो रही उन्हें कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पर हम एम स्क्वायर सी टू द पावर फोर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास एक ये टर्म बच रही है प्लस ये टर्म और एक ये टर्म एंड लास्ट की ये टर्म। इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ से हम माइनस के टू एच स्क्वायर न्यू न्यू डैश कॉमन निकालेंगे तो बचेगा वन माइनस के कॉस फाइव और ये सारी टर्म्स एज इट इज। इक्वेशन सिक्स, इक्वेशन सिक्स के बाद
हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला जो होता है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन वन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। यहाँ से हम इन दोनों का स्क्वेयर कर देंगे, हमारे पास वैल्यू, हम यहाँ पर एम नॉट स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी। अब यदि हम ये वैल्यू देखें तो एम स्क्वेयर वन माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर ये वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रही है, सो हम यहाँ पर इस पूरी वैल्यू की जगह पर एम नॉट स्क्वेयर पुट कर देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन सिक्स ये इस पूरी वैल्यू की जगह हमने पुट कर दिया एम नॉट स्क्वेयर सी टू दी पावर फोर और ये सारी टर्म्स एज इट इज़। यहाँ पर एम नॉट सी एम नॉट स्क्वेयर सी टू दी पावर फोर और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जो भी टर्म्स बच रही है उसको एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। यहाँ से टू एच और यहाँ से टू एच कैंसिल होगा, ये टर्म हमारे पास नहीं बचेगी। आगे हम उसी वैल्यू को कंटिन्यू करके ये एक नई वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन सेवन। वही हमने जो जो टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हो रही है उसे इक्वल करके इक्वेशन सेवन निकाल ली। अब हम जानते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन न्यू, मतलब वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एज इट इज़ हम लैम्डा डैश के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं ये। अब यहाँ पे यदि हम लैम्डा डैश और लैम्डा को देखें तो डेल लैम्डा इज इक्वल टू होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जिससे हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। दोनों की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी, दोनों में से सी कॉमन निकाल लिया, लैम्डा डैश को लैम्डा डैश माइनस लैम्डा और इज इक्वल टू दिस। सो यहाँ से सी इधर कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन सी और इन दोनों का जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश इक्वेशन एट। अब इक्वेशन सेवन और इक्वेशन एट से यदि हम देखें तो इसको इधर लेकर जाएंगे तो LHS इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों के RHS भी इक्वल होंगे। सो दोनों टर्म के इक्वेशन सेवन और इक्वेशन एट के हम LHS को सेम करके RHS एक दूसरे के इक्वल रख देंगे और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डेल लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू दिस। और इस इक्वेशन नाइन को ही कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, दिस इज कॉम्पटन शिफ्ट एक्सप्रेशन। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा कि किस तरह से हम इस डायग्राम के थ्रू एनर्जी और मोमेंटम को आपस में रखकर पूरा डेरिवेशन सॉल्व किया। ये लेंथी डेरिवेशन था, BSc थर्ड ईयर के अधिकतर डेरिवेशन इसी तरह से लेंथी होने वाले। सो प्लीज़ अच्छे से ये पूरा लेक्चर देखिएगा, जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप वीडियो को पॉज करके उस स्टेप को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। वैसे मैंने ये डेरिवेशन पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है, आई होप आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। BSc थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट यहाँ पर कम्प्लीट होता है। हमने कॉम्पटन इफेक्ट को दो लेक्चर में देखा, सबसे फर्स्ट हमने देखा था कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है और इस डायग्राम की थोड़ी सी थ्योरी देखी थी, और इस लेक्चर में हमने पूरा कॉम्पटन शिफ्ट का डेरिवेशन डिराइव किया। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।